कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इतनी रात को लाइव आने का मकसद और मुद्दा बहुत बड़ा था। अभी बग्गी मैंने न्यूज़ देखी, मोबाइल देखा नहीं था, इंटरनेट देखा नहीं था, और देख के मेरी रूह कांप गई कि पता नहीं योगी आदित्यनाथ कहाँ जाएगा, कहाँ जाके मरेगा ये। अब लोग ये कहेंगे मुझे कि मुख्यमंत्री को आप ऐसे बात करते हो, वैसे बात करते हो, हक बनता है हमारा, मुख्यमंत्री 50 करोड़ के 30 करोड़ के एमएलए खरीद सकता है, हाँ सिक्योरिटी पे इतना खर्चा कर सकता है, ऑक्सीजन का 60 लाख रुपए उसने नहीं भरा, 30 माओं की गोद उजड़ गई, 30 माओं के बच्चे चले गए इस दुनिया से, इसका जवाब कौन देगा? योगी आदित्यनाथ के चमचे या योगी खुद देगा या हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देगा? इन माओं का हिसाब कौन देगा? उन बच्चों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब सरकारी अस्पताल है और उस अस्पताल में 60 लाख ऑक्सीजन के नहीं भरे गए तो उन्होंने ऑक्सीजन की लाइन ठप कर दी और 30 बच्चे, कसम खुदा की हम सारे हिंदुस्तानियों को भी शर्मानी चाहिए। ये जो मौतें हुई है इनकी माओ का हाल जानो, अगर तुम्हारा बेटा मरता तो तुम्हें पता चलता क्या? अब भी तुम ये कहोगे कि योगी आदित्यनाथ अच्छा मुख्यमंत्री है या नरेंद्र मोदी अच्छा प्रधानमंत्री है? शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, हर चीज में चीटिंग हो रही है। अब तो ये हो गया कि सरकारी अस्पताल में हम जब जाते हैं, हमने देखा है, हम एनजीओ का काम करते हैं, अल्लाह के बंदे से हम जितने एनजीओ में हॉस्पिटल में जाके मदद कर रहे हैं, वहां पे सरकारी अस्पताल में लोगों की ऐसी हालत है कि वो कचरा पट्टी की तरह है, वहां पे लोग ऐसे लाइन में लगे हुए, बच्चे लाइन में लगे हुए, उनके हाथ टूटे हुए, उनके लिए एक्सरे मशीन नहीं है, उनको ऑक्सीजन नहीं है, उनको गोलियां नहीं है, उनको इंजेक्शन नहीं है, यार कुछ नहीं है उन लोगों के पास। देखो मुझसे जितना होता है मैं करूंगा और मुझे साथ देने वाले कुछ लोग हैं वो भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं, तो वो लोग 11 11 रुपए डोनेट भी कर रहे हैं अल्लाह के बंदे के लिए। लेकिन मैं ये जवाब योगी आदित्यनाथ, ओ मेरे भाई, ये जो विन डीजल बन के घूमता है ना तू, वो पहन के सर पे बाल नहीं और ये पहन के ये, और सारे सिक्योरिटी वाले तेरे साथ चलते हैं, मेरे भाई मुख्यमंत्री को इतना सिक्योरिटी कहां से आता है भाई? इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहा है जनता का तू? ये 30 बच्चों की जान की जिम्मेदारी तेरी है योगी आदित्यनाथ, और अगर तुझे थोड़ी सी भी शर्म आ रही हो ना तो ये बच्चों की जो माए है ना उनको पैसे पहुंचा देना, क्योंकि ये बच्चे उनकी माँ की आंखों के तारे थे, उनका फ्यूचर था, सारे अरमानों को सारे सपनों को तूने सिर्फ एमएलए खरीदने के चक्कर में 60 लाख रुपए नहीं भरे गए, जनता को यह पता होना चाहिए। अल्लाह हाफिज, मैं तो जाग गया हूं और जितने लोग जाग सकते हैं उनको जगाता रहूंगा, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना।